XML, XML इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, खुद के टैग्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML इज डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। ठीक है, XML डिजाइन किया गया था किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, XML डिजाइन किया गया है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे सेंड करना। ठीक है, XML वॉज रिलीज इन लेट 90s। इट वॉज क्रिएटेड टू प्रोवाइड एन ईजी टू यूज एंड स्टोर सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटा। ठीक है, XML जो था वो 93 के आसपास या 94 के आसपास रिलीज किया गया था, जिसमें हम लोग ने सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटा स्टोर किया था। मतलब वो खुद के बारे में बताता था, लाइक अगर हमने हमें कोई भी एड्रेस स्टोर करना है। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टैग बनाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, एक एड्रेस करके एक टैग बना देता हूँ। ठीक है, ये सेल्फ डिस्क्राइबिंग है कि इसके अंदर है क्या। ठीक है, मैंने एक टैग बना लिया एड्रेस। ठीक है, इसके अंदर मैं दो तीन टैग और बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक एरिया। ठीक है, एरिया मैंने एक क्या बना लिया। ठीक है, एरिया मान के चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुपेला। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिटी। ठीक है, सिटी यहाँ पे है भिलाई। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैं दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं दुर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे कुछ सेल्फ डिस्क्राइबिंग टैग्स मैंने यहाँ पे बनाया और उसके अंदर उसी से रिलेटेड कोई हम लोग वहाँ पे कंटेंट यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं एक और यहाँ पे ले लेता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ पिन। ठीक है, और पिन को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ 490023। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने एक सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटा मैंने बनाया। ठीक है, जिसमें एक टैग है मैंने यूज किया, खुद से टैग बनाया। यहाँ पे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, एड्रेस लिया, उसके अंदर मैंने एरिया लिखा, एरिया में लिख दिया सुपेला। ठीक है, सिटी, सिटी के अंदर लिख दिया भिलाई। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट है हमारा दुर्ग। और पिन जो है 490023 है। ठीक है, तो ये एक सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटा है, मतलब खुद से बता रहा है कि वो एक एड्रेस है, एड्रेस के अंदर एरिया है जो सुपेला है। ठीक है, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है और पिन है। ठीक है, ये खुद से बता रहा है, मतलब कोई भी अगर यूजर अगर ये डेटा को देखेगा तो ऑलरेडी वो समझ जाएगा कि ये क्या डेटा है। ठीक है, तो XML इसीलिए ये लाइक लैंग्वेज बनाया गया जिसके थ्रू हम लोग इजीली डेटा को समझ पाए, इजीली हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट कर पाए। ठीक है, इजीली हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट कर पाए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं इट वॉज क्रिएटेड टू प्रोवाइड एन ईजी टू यूज एंड स्टोर सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटा। मतलब वो डेटा जो है वो खुद के बारे में ही बताता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है XML बिकेम ए W3C रिकमेंडेशन ऑन फेब्रवरी 10, 1998। ठीक है, इसको 94 के आसपास रिलीज तो किया था, लेकिन बहुत सारे इसके वर्जन्स आए, बहुत सारी चीजें इसमें एनहेंस की गई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ कि W3C ने इसको रिकमेंड कब किया, 10 फेब्रवरी 1998 को किया। ठीक है, XML इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ HTML। ठीक है,
एक्सएमएल जो है रिप्लेसमेंट नहीं है एचटीएमएल का, एक्सएमएल अलग चीज है, एचटीएमएल अलग चीज है, ठीक है। एक्सएमएल इज डिजाइन टू बी सेल्फ डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। एक्सएमएल डिस्क्राइब किया गया था, मतलब जो भी एक्सएमएल यहाँ पे बनाया गया वो एक ऐसा मार्कअप लैंग्वेज है जो कि जितने भी डेटा को स्टोर करता है और जितने भी डेटा को ट्रांसपोर्ट करता है, वो डेटा खुद के बारे में बताते हैं, ठीक है। डेटा क्या होते हैं, खुद के बारे में ही डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। एक्सएमएल इज डिजाइन टू कैरी डेटा, नॉट टू डिस्प्ले डेटा, ठीक है। एक्सएमएल जो डिजाइन किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को कैरी करता था, ठीक है, वो डेटा को डिस्प्ले कभी नहीं करता है, ठीक है। डिस्प्ले करने का काम जो है वो एचटीएमएल का है, ठीक है। जो भी वेब में चीजें डिस्प्ले होती है सारा का सारा वो एचटीएमएल करता है, ठीक है। लेकिन एक्सएमएल सिर्फ और सिर्फ उसको कैरी करेगा, ठीक है। कैरी करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह सिर्फ उसको कैरी करके उठा के लेके आएगा, इतना ही काम होता है एक्सएमएल का, ठीक है। एक्सएमएल टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड, ठीक है। एक्सएमएल टैग जो है वो प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, यू मस्ट डिफाइन योर ओन टैग्स। हमें खुद से अपने टैग्स को डिफाइन करना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, मैंने खुद का एक टैग डिफाइन किया एड्रेस, मैंने खुद का एक टैग डिफाइन किया एरिया, खुद का एक टैग डिफाइन किया सिटी, खुद का एक टैग डिफाइन किया डिस्ट्रिक्ट और खुद से एक टैग डिफाइन किया पिन। मैं इसको अगर सेव करता हूँ, कि मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे सेव करेंगे मैं एड्रेस डॉट एक्स एम एल, ऐसा मैं इसको सेव कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो सारे के सारे का कलर बदल गया और एक टैग जैसा बन गया, ठीक है। ये टैग बन गया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग अलग अलग सेल्फ डिस्क्रिप्टिव डेटा हम लोग यहाँ ले सकते हैं, और जो भी हम लोग टैग्स यहाँ पे लेंगे वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा खुद से, कि पहले से हम लोग को कोई भी टैग यहाँ पे नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सएमएल इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्सएमएल में डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग उसका प्लेटफॉर्म डिसाइड कर सकते हैं, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म हो, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर हम लोग एक्सएमएल फाइल जो है वो किसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहे हैं तो भी रन हो जाएगा, अगर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहे हैं तो भी रन हो जाएगा, अगर हम लोग कोई भी मैक पीसी में रन कर रहे हैं तो भी रन हो जाएगा, कोई सर्वर पे रन कर रहे हैं वहां पे हर जगह एक्सएमएल रन हो जाता है, मतलब दुनिया के जितने भी वेब ब्राउजर्स बने हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वेब ब्राउजर बने हैं सभी के लिए एक्सएमएल सपोर्टेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक्सएमएल यूज क्यों करते हैं, वाई एक्सएमएल, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, द मेन बेनिफिट ऑफ एक्सएमएल इज दैट यू कैन यूज टू टेक डेटा फ्रॉम प्रोग्राम लाइक माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, कन्वर्ट टू एक्सएमएल, देन शेयर दैट एक्सएमएल विथ अदर प्रोग्राम्स एंड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब देखो जनरली जो एक्सएमएल था, ठीक है, वो जनरली कोई एक बड़े डेटाबेस को, ठीक है, बड़ा डेटाबेस अगर हम लोग बोलें तो बड़े बड़े डेटाबेस जो होते हैं लाइक वो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, ओरेकल, ठीक है, माई एसक्यूएल, ठीक है, टेरा डेटा, ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पे हम लोग देखते हैं मोंगो डीबी, इस टाइप से बहुत सारे हमारे पास डेटाबेसेस अवेलेबल होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, अगर देखेंगे तो 1,000 के ऊपर डेटाबेस मिल जाएगा, ठीक है, छोटे से बड़ा हर प्रकार का डेटाबेस आज के डेट में अवेलेबल होता है, ठीक है। अभी डेटाबेस का काम क्या है, बहुत बड़े बड़े डेटा को स्टोर करना, ठीक है, बहुत बड़े बड़े डेटा को स्टोर करना। जैसे मान के चलो बीएसपी है, बीएसपी में कम से कम नहीं, 50 डिपार्टमेंट होंगे, 50 डिपार्टमेंट 50 अलग अलग तरीके का डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। अब डेटा को स्टोर करना मतलब पूरा का पूरा एक फॉर्मेट में होगा, लाइक एक्सेल शीट टेबुलर फॉर्म में डेटा होगा, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में डेटा होगा,
वो अगर डेटा को हम लोग किसी पर्टिकुलर वेब बेस्ड एप्लीकेशन में हम लोग उसको रन करते हैं, ठीक है, तो वो वहां से डेटा उठा के लाएगा और वहां पर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब वो डेटा जो है, मान के चलो ओरेकल यूज हो रहा है वहां पे, अगर कोई भी एक टेबल है, कोई भी एक टेबल है, ठीक है, जैसे कि आप लोग ने पढ़ा हुआ है एमएस एक्सेस, ठीक है, एमएस एक्सेस में टेबल बनाते हैं और उसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं, सेम वैसे ही होता है, उसी वो भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, वैसे ही बहुत बड़े बड़े डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को पहले बोला जाता था माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ठीक है, फिर उसको चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर बोल दिए, ठीक, सेम चीज़ है। जैसे हम लोग एमएस एक्सेस में टेबल बनाते थे, सेम उसी टेबल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक टेबल है जिसमें मान के चलो 1 या फिर 10,000, ठीक है, 10,000 रोज है, रोज मतलब 10,000 डेटा है, ठीक है, 10,000 डेटा है, तो 10,000 डेटा को शो करना है हमारे HTML डॉक्यूमेंट में, HTML वेब पेज में हम लोग को शो करना है। तो अब हम लोग कैसे शो करेंगे उसको, वो डायरेक्टली तो शो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं कि 10,000 रोज के जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, मतलब ये टेबल को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ये टेबल को कन्वर्ट हम लोग करेंगे, ठीक है, XML में, ठीक है, मतलब जिसने जितने भी कॉलम्स होंगे, मान के चलो इसमें है नेम, क्लास, कॉलेज, इस टाइप के मान के चलो कोई भी इसमें कॉलम्स अवेलेबल है, ठीक है, इस कॉलम्स के लिए हम लोग टैग डिफाइन करेंगे, ठीक है, जो भी टैग है, नेम करके एक टैग डिफाइन होगा, क्लास एक टैग डिफाइन होगा, कॉलेज एक टैग डिफाइन होगा, और इसके अंदर सारे डेटा को इस प्रकार से हम लोग वहां पे स्टोर कराएंगे, मतलब एक जगह से डेटाबेस से लेके, मीन्स टेबल से लेके हमारे HTML डॉक्यूमेंट तक जो डेटा ट्रांसफर होगा, डेटा ट्रांसपोर्ट जो होगा वो XML के फॉर्म में होगा, ठीक है। दुनिया में और कोई दूसरा तरीका नहीं बना है कि दो अलग अलग टेक्नोलॉजी को, मीन्स जो ओरेकल है, MySQL है, टेरेडे, ये सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये इसका काम है सिर्फ टेबल बनाना और इसके अंदर डेटा स्टोर करना। HTML का काम क्या है, डेटा को डिस्प्ले करना, मीन्स कंटेंट को डिस्प्ले करना, कंटेंट जो है वो इस कॉलम्स के अंदर में स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। आप लोग अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ोगे, उसके अंदर सारी चीजें देखोगे, ठीक है, तो उसके बाद और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। अभी बस इतना जानो कि एक टेबल है, उसमें 10,000 डेटा, इस डेटा में तीन टाइप की डिटेल है, नेम, क्लास और कॉलेज, ठीक है, तो यहाँ पे तीन टैग बनेंगे, नेम, क्लास और कॉलेज, ठीक है, और इस प्रकार से कंटेंट को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा डेटाबेस से लेके HTML डॉक्यूमेंट तक, और वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, XML के थ्रू, बस, ठीक है। दुनिया में और कोई दूसरा तरीका नहीं है जो इतने बड़े डेटा को HTML डॉक्यूमेंट पे डिस्प्ले कर दे। कोई भी जो इंटरफेस होता है दो टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, लाइक डेटाबेस और फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड मतलब हम लोग का HTML है, ठीक है, डेटाबेस और फ्रंट एंड को अगर हम लोग इंटरफेस करेंगे तो हम लोग को एक दूसरी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग XML बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, XML, ठीक है। तो XML के थ्रू ही हम लोग दो अलग अलग प्रोग्राम्स को, दो अलग अलग प्लेटफॉर्म को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और हम लोग अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं अपने डेटाबेस से अपने HTML डॉक्यूमेंट तक, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसको बोला गया है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब इसको प्लेटफॉर्म से कोई भी लेना देना नहीं होता है, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो मैक पीसी हो, या फिर दुनिया के कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उससे कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। और ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट भी होता है, लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब वो सर्वर बेस्ड लैंग्वेज हो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोई भी टाइप की लैंग्वेज हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं होता, ठीक है।
इसीलिए इसको बोला जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। ठीक है, द मेन थिंग विच मेक्स एक्सएमएल ट्रूली पावरफुल इट इज इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। मैनी कॉरपोरेशन यूज एक्सएमएल इंटरफेसेस फॉर डेटाबेसेस, प्रोग्रामिंग, ऑफिस एप्लीकेशन, मोबाइल फोन्स एंड मोर। इट इज ड्यू टू द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सएमएल है, ठीक है, उसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिला हुआ है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जितने भी डेटाबेस है, ऑफिस एप्लीकेशन है, मोबाइल फोन्स है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज यूज होती है आज के जमाने में, एक्सएमएल सबसे ज्यादा यूज करने वाला मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, एक्सएमएल ही सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब मैं मोबाइल फोन की बात करता हूँ। मोबाइल फोन में यूज करते हैं हम लोग एंड्रॉयड ओएस। ठीक है, अगर एंड्रॉयड की हम लोग बात करें तो एंड्रॉयड इतना सारे फीचर्स हम लोग को दे कैसे देते हैं, दुनिया भर के फीचर्स हम लोग को मिल जाते हैं। लेकिन अगर उसके डिजाइन की हम लोग बात करें, डिजाइन भी हम लोग को बहुत अच्छा अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसपोर्ट करता है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में, लाइक अगर हम लोग को साइन इन करना होता है किसी में भी, अगर अकाउंट बनाना होता है, तो हम लोग को मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। या तो गूगल के थ्रू हम लोग बना सकते हैं, फेसबुक के थ्रू बना सकते हैं, ट्विटर के थ्रू बना सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू बना सकते हैं। ऐसे हम लोग को बहुत सारे सोशल लॉगिन के ऑप्शन मिलते हैं। तो सोशल लॉगिंग मतलब गूगल अपना डेटा सेव करके रखा है, उसको शेयर करता है दूसरे एप्लीकेशन से। तो कैसे शेयर करता होगा, एक्सएमएल के थ्रू। तो एंड्रॉयड या फिर एप्पल आईओएस सबसे ज्यादा यूज करते हैं एक्सएमएल का, ताकि उसका डेटा ट्रांसफर जो हो बहुत फास्ट हो जाए। ठीक है, तभी जो मोबाइल डिवाइसेस हैं आज के डेट में इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं। अगर एक्सएमएल यूज नहीं करते, अगर कोई दूसरी टेक्नोलॉजी यूज करते, तो हो सकता था कि हम लोग आज के डेट में भी 50 साल पीछे रहते। ठीक है, तो जो ये टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, क्योंकि इसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिला है, तो जितने भी नए नए टेक्नोलॉजी भी होती है, विदाउट एक्सएमएल कोई भी डेटा ट्रांसफर वेब बेस्ड नहीं कर सकता है।